नमस्कार दोस्तों, सदैव आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि यदि आपके शरीर के किसी भी हिस्से की कोई भी नस जब जाती है तो ये ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण होता है, किस तरह से हम इन नसों के दबने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और साथ ही साथ हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं कि इस समस्या से हम बच सकें, वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी बस इतनी प्रार्थना है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, बात करते हैं कि शरीर के किसी भी हिस्से का कोई भी नस पे यदि कोई भी दबाव पड़ता है तो इस स्थिति को नस का दबना या पिंच्ड नर्व कहते हैं। जब नस पर दबाव पड़ता है तो वह नस मस्तिष्क को एक चेतावनी भरा संकेत भेजती है। नस के द्वारा मस्तिष्क को भेजे गए संकेत में दर्द हो सकता है, सुन्नपन आ सकता है, कमजोरी महसूस हो सकती है। इसके अलावा नस पर दबाव पड़ने से नस जो होती है वो संकुचित हो जाती है। शरीर के किसी भी हिस्से की नस पर जब दबाव पड़ता है तो नस में हल्का सा क्षतिग्रस्तता आ जाती है और जब धीरे धीरे वो नस बार बार दबती रहती है तो गंभीर रूप से वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। और एक समय कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कुछ लोगों के साथ कि वो बिल्कुल डैमेज्ड हो जाती है, उसे ऑपरेशन के माध्यम से काट कर ही दूसरी नस से जोड़ना पड़ता है। नस दबने की स्थिति में हम जितनी जल्दी उसका पता लगा देंगे उतनी ही जल्दी उससे राहत पाई जाती है। अब देखिए, नस दबने की जो प्रमुख कारण है कि नसों के चारों ओर हड्डियां जो होती हैं जब वो कमजोर होने लगती हैं तब भी इस तरह की समस्या आ जाती है। अब ये पता कैसे चलता है? सबसे पहले तो आपका जो बॉडी है वो वहां पे सुन्न होने लगेगा, हल्का दर्द, सूजन, हाथ या पैर का ना उठना या उस पर्टिकुलर हिस्से में एक विशेष प्रकार का दर्द, लालिमा, सूजन होना, ये उसके संकेत हैं। लेकिन इसके अलावा यदि हम डॉक्टरी इलाज की बात करें तो सिटी स्कैन और MRI करवाने के बाद ये पता चलता है कि वास्तविक रूप में नस दबी है तो कहां की दबी और किस तरह से दबी। अगर हम बात करें कि नस दबने से कोई बचाव किया जा सकता है तो वास्तविकता यह है कि नस के दबने से कोई बचाव नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से नस दबने की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है। जैसे कि यदि आपके अंदर कोई खराब आदतें हैं जैसे कि शराब, धूम्रपान है, उसे छोड़ दें। अपने शरीर का जो वजन है वो संतुलित बनाए रखें। बहुत लोगों को जिनका वजन अतिरिक्त होता उनके साथ भी नस दबने की समस्या ज्यादातर देखी गई है। नस दबने का इलाज कई अलग अलग तरीके से किया जा सकता है जो अलग अलग स्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे नस दबने की गंभीरता के कारण शरीर के किसी हिस्से के लिए जब नस दब जाती है तो अक्सर डॉक्टर क्या करते हैं कि दर्द निवारक या स्टेरॉइड दवाएं देते हैं, पट्टी बांधते हैं, शारीरिक थेरेपी देते हैं या सुई के माध्यम से वहां पे नस को खोलने के लिए एक्यूप्रेशर विधि का प्रयोग किया जाता है या बर्फ की सिकाई या गर्म सिकाई की जाती है। लेकिन जब मामला गंभीर हो जाता है तो ऑपरेशन तक कराने की आवश्यकता पड़ जाती है। अब देखिए, जब नस पे किसी प्रकार का बार बार प्रेशर पड़ता है तो नस संकुचित हो जाती है और इसी को नस का दबना कहते हैं। नस दबने पर उस नस में दर्द होगा, झुंझुनी होगी, सुई चुभने जैसे सनसनी महसूस होती है। धीरे धीरे प्रभावित नस जो होती है वो सुन्न होने लगती है। लक्षण कैसे पता करें कि आपके जो नर्व्स हैं वो पिंच्ड हो गई अर्थात दब गई हैं? देखिए, कुछ विशेष लक्षण होते हैं। देखिए, यदि आपकी पीठ की नस है उस पर दबाव पड़ रहा है तो उससे लक्षण क्या होंगे? टांग या पैर की त्वचा सुन्न होने लगती है, टांगों में कमजोरी महसूस होती है, टांगों में तेज दर्द पैरों तक महसूस होगा और खांसने जैसे तक की जो छोटी गतिविधि होती है उसमें भी आपको दर्द हो सकता है। जब कभी किसी की गर्दन की नस जब जाती है तो बाजू में तेज दर्द होता है, बाजू में कमजोरी आने लगती है या हाथ उठता नहीं है। कंधे में जब दर्द होता है तो उससे क्या होता है कि बाजू सुन्न हो जाती है, सुई या पिन चुभने जैसी सनसनी महसूस होती है, सिर घुमाने यहां तक कि गर्दन को हिलाने में भी दर्द बहुत ज्यादा होता है। अब डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? यदि नस दबने के कारण आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। कोई भी पेन किलर ऐसे जल्दी से ना लें, क्योंकि अगर लगातार ये प्रक्रिया हो रही है तो ये अगर दब गई नस ज्यादा आपकी तो इसे फिर बाद में डैमेज नस को पूरी तरह से ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें सबसे पहले अपने डॉक्टर को दिखाएं। इसके अलावा कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखें, जैसे कि एक ही चीज को बार बार दोहराने से भी
कभी कितनी बार नस दब जाती, जैसे लंबी अवस्था में एक ही नस पे जब बार बार दबाव पड़ता है, जैसे सोने के समय लंबे समय तक आप एक ही कोहनी को मोड़ के रख रहे हैं, या एक हाथ को अपने सिर के नीचे दबा के सो रहे हैं, या आप लगातार बैठ रहे हैं तो नीचे आपकी जो कमर की रीढ़ की हड्डी है टेल बोन, वहां प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से दूसरी जगह भी प्रॉब्लम हो जाती है। खासकर पैरों की जितनी समस्याएं होती है वो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं। यदि रीढ़ की हड्डी की कोई भी नस दब जाती है तो पैरों संबंधित अनेकों समस्याएं हो सकती हैं। वो अलग अलग व्यक्ति के साथ अलग अलग तरीके से उसमें लक्षण दिखते हैं, क्योंकि कौन सी नब दबी है और किस नस का प्रभाव किस हिस्से पे जाके पड़ रहा है, इस चीज का सबसे ज्यादा महत्व पड़ता है। इसके अलावा जब किन लोगों को चोट लग जाती है, जैसे वाहन दुर्घटना हो जाती है, खेलते हुए गिर जाते हैं, तब भी कभी कभी कोई नस डैमेज्ड हो जाती है, जिसकी वजह से लगातार दर्द शरीर में बना रहता है। कुछ लोगों की शारीरिक मुद्रा ठीक नहीं होती, जैसे ठीक से बैठ ना पाने की वजह से, या सही ढंग से खड़ा नहीं होते हैं, सही ढंग से बैठते नहीं है, तब भी पर्टिकुलर कोई नस आपकी दब जाती है। इसके अलावा जब लोगों की हड्डियां बढ़ती हैं, रूमेटाइटिस जैसी समस्या पैदा हो जाती है, तो भी इसमें नसों की समस्या पैदा हो जाती है, रीढ़ की हड्डियों में अकड़न आने लगती है, जिसके कारण नसों पर अधिक दबाव पड़ने लगता है। इसके अलावा जब रीढ़ की हड्डी लंबे समय तक किसी वजह से उसमें सूजन आ जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, तो नस दबने लगती है, जिसकी वजह से पैर हाथ में सुन्नपन आ सकता है। इसके अलावा गर्भावस्था में वजन बढ़ने या शरीर में पानी जमा होने से भी शरीर में दबाव बढ़ता है, जिससे नस दबने का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसके अलावा लोगों को मोटापे की समस्या, उनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करेंगे कि नस दबने के बचाव क्या है। देखिए, सबसे पहले अपने वजन को नियंत्रित रखें, आहार व व्यायाम जो है वो नियमित रूप से करें। ये एक ऐसी आदतें हैं जो मांसपेशियों को मजबूत रखती है, रीढ़ की हड्डी पे सामान से अधिक वजन पड़ने नहीं देती है। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर की एक बहुत महत्वपूर्ण हड्डी होती है। जब ये कमजोर हो जाती है या इसकी कोई भी नस दब जाती है तो ये शरीर में अनेकों बीमारियां पैदा कर देती है। हालांकि बढ़ती हुई उम्र के साथ इसे पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी यदि हम अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव कर दें तो रीढ़ की हड्डी कमजोर होने से, क्षतिग्रस्त होने से बच जाती है। इसके अलावा धूम्रपान व शराब ना लें। शारीरिक मुद्राएं जैसे बहुत ज्यादा झुकना, मुड़ना, कंप्यूटर पर ज्यादा देर काम करना, सारा दिन मेज के ऊपर टेढ़ा होकर बैठने से भी रीढ़ की हड्डी में अनावश्यक दबाव पड़ता है, जिससे रीढ़ की हड्डी प्रभावित हो सकती है। तो ये कुछ प्रमुख तरीके हैं जिससे आप नस दबने की जो प्रॉब्लम है उसको समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि नस दबने के इलाज क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें यदि काफी दर्द है, बहुत परेशानी है। यदि हल्का फुल्का दर्द है और उस समस्या में आपको क्या करना है कि आपको उस नस पे जहां आपको दर्द हो रहा है उसके दबाव को कम करना है। यदि आपके किसी गलत पोस्चर की वजह से ऐसा है तो सबसे पहले उस पोस्चर को बदलिए। इसके अलावा जब आपको काफी दर्द हो रहा होता है तो ऐसे लोग यदि बर्फ की सिकाई उस नस और नस के का जो हिस्सा होता है उसके आसपास यदि बर्फ की सिकाई करते हैं तो उससे काफी लाभ मिलता है, और ये आपको कम से कम हफ्ते दो हफ्ते आप करें, आपको काफी लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऐसे लोग उस प्रभावित हिस्से को आराम दें और ज्यादा से ज्यादा नींद लें, आराम लें, तो भी प्रभावित नस ठीक होने लगती है। इसके अलावा कभी कभी बहुत कुछ दर्द निवारक दवाएं भी मिलती हैं जो सूजन या जलन को कम करती हैं, जैसे कि बहुत सारे बाम वगैरह आते हैं जो पर्टिकुलर नस, जैसे हाथ या पैर की कभी कभी गलत पोस्चर की वजह से जो नस दब जाती है वहां पे आप लगाकर और गर्म पट्टी यदि बांध ले और बर्फ की सिकाई करते रहें एक दो बार पूरे दिन में तो भी ये बहुत जल्दी सही हो जाती है। लेकिन यदि बहुत दिनों तक ये समस्या है तो अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। शारीरिक थेरेपी की मदद से भी मांसपेशियों को मजबूत और स्ट्रेच किया जा सकता है। इसके अलावा नसों और आसपास की सूजन को कम करने के लिए डॉक्टर कितनी बार स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी देते हैं, लेकिन ये सिर्फ डॉक्टरी सलाह से ही करना चाहिए। स्ट्रेचिंग की जितनी एक्सरसाइजेस है वो करनी चाहिए, चाहे वो हाथ की हो चाहे पैर की हो, वो नस दबने के लक्षण में बहुत ज्यादा राहत देते हैं। इसके अलावा
गर्दन के पास की जब नस दब जाती है तो गर्दन की जो एक्सरसाइज होती है चारों तरफ रोटेशन वाली, उससे भी काफी आपको लाभ मिलता है। इसके अलावा बर्फ की सिकाई ये आपकी थकान को, सूजन को भी दूर करती है। ऑपरेशन के बाद बड़ी हुई हड्डी को काटना, स्लिप डिस्क को ठीक करना और लिगामेंट के कुछ हिस्सों को हटाने की वजह से भी कभी कभी नसों में दिक्कत आ जाती है। तो ये कुछ विशेष घरेलू उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। कोशिश करें ऐसे लोग किसी एडजस्ट होने वाली कुर्सी और तकिए का इस्तेमाल ज्यादा करें, पर्टिकुलर हिस्से पे किसी प्रकार का दबाव ना दें। इसके अलावा स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस योगा करते रहें, पट्टी बांधते रहें ऐसी जगह पे, और थोड़ा ऐसी जो जेल्स आते हैं जो आपके बॉडी के अंदर हीटिंग बढ़ाते हैं वहां लगाकर, और उसके ऊपर यदि आप गर्म पट्टी बांधते हैं तो थोड़ा सा आपको दर्द में राहत भी मिलते हैं। इसके अलावा आप अपनी एक्सरसाइज पे जरूर ध्यान दें, और अगर आपकी सूजन व लालिमा बढ़ती जा रही है और दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने लिस्ट में तो उसे शेयर करें और